हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिखर का सफ़रनामा में हार्दिक स्वागत है। आंवला नवमी, आज आंवला नवमी है। आंवला नवमी मनाते क्यों हैं? एनी वन ऑफ कोई भी युग स्टार्ट हुआ था सर। हाँ, इसी बेसिकली एक युग की स्टार्ट जब हुआ था माइथोलॉजी के हिसाब से वो है। दूसरा एक इसका साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, बिकॉज अवर इंडियन कल्चर इज बेसिकली रिच इन ऑल काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल रिलेशन एंड बेसिकली नेचर सेंट्रिक। हमारा जो भी कल्चर है, चाहे हम किसी भी रीजन को बिलोंग करें, रिलीजन को बिलोंग करें, तो वो नेचर के टूवर्ड्स हमें कंजर्वेशन की अप्रोच देता है, ठीक है, कि कंजर्व करो, किसी को हार्म नहीं ना पहुँचाओ, ठीक है, नेचर सेंट्रिक है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आज के दिन को क्या कहते हैं, आंवला नवमी मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि जो पेड़ है, ठीक है, उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है कि नहीं है। किस किस चीज़ों में आंवला इस्तेमाल होता है? कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, मेडिसिंस में यूज़ होता है, हेयर ऑयल में यूज़ होता है, आंवला हेयर ऑयल आता है। आपने देखा च्यवनप्राश का नाम सुना है आपने? यस सर। च्यवनप्राश में भी आंवला यूज़ होता है, ठीक है। अब च्यवनप्राश है क्या? च्यवनप्राश किसने इन्वेंट किया था? च्यवनप्राश इन्वेंट किया था अश्विनी ब्रदर्स ने, ठीक है। उनके जो गुरु थे ऋषि च्यवन के नाम से च्यवनप्राश बनाए, ठीक है। च्यवनप्राश क्यों बनाए? आप कोई लोग कहते हैं 54 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, ठीक है ना। तो जो ऋषि च्यवन थे उनके नाम से च्यवनप्राश बनाए, ठीक है। तो इसलिए हम च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? वो बॉडी को रिज्यूनेट करता है, माइंड को हील करता है, ठीक है, यानी कि पुनर्निर्माण करता है। और आज के दिन को हम क्या कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं, ठीक है। अक्षय जो वर्ड है वो यूज़ किया गया संस्कृत से लिया गया, जिसका मतलब होता है कभी, जिसका ह्रास नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती है। अक्षय तृतीया मनाते हैं, अक्षय नवमी मनाते हैं ना, तो इसीलिए मनाते हैं कि अक्षय है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, लाइफ एक्सेल करता है, ठीक है। जो आंवला खाते हैं ना, तो उसकी जो लॉन्गजिविटी होती है लाइफ की, लाइफ का स्पैन बढ़ जाता है, इसलिए इसको एक्सेलसर ऑफ लाइफ भी, नेक्टर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, सबको पता है कि आंवले के बड़े यूज़ है, स्किन ग्लो के लिए यूज़ करता है, हेयर ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, हेयर टॉनिक के लिए यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात है, माइथोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, हिंदुइज्म में कहते हैं कि भगवान विष्णु का इस पर वास होता है, ठीक है। जो इसकी पूजा करता है उसको विष्णु के साथ लक्ष्मी भी मिलती है, मतलब हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलती है, ठीक है। आंवला इज अनदर नेम ऑफ द हेल्थ, ठीक है, और वेल्थ ऑल्सो। वेल्थ का मतलब यही है ना, आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप कुछ और भी कमा सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, बीमार रहेंगे तो नहीं ना कर सकते। दूसरी मान्यता के अनुसार क्या है कि अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है या आप आंवले का सेवन करते हैं, तो वो क्या है, आंवला आपके घर के लिए एक अकेला डॉक्टर है, ठीक है, पूरे फैमिली के लिए, यानी कि वैद्य। पुराने ज़माने में, आजकल वैद्य डॉक्टर होते ना, पुराने ज़माने में वैद्य होते थे जो वैद्य का काम करता था, यानी कि मल्टीपल चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं। आंवले के बार्क के बहुत सारे यूजेस हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में काम आते हैं। आंवले में आयरन होता है, विटामिन सी होता है, आंवले का जो विटामिन सी है, चाहे जल जाए, चाहे सूख जाए, चाहे उसकी राख बना के रख दे, उसका जो है विटामिन सी खराब नहीं होता है। इसलिए चाहे वो आंवले का मुरब्बा खाएं, चाहे आंवले का अचार खाएं, या आंवले को रॉ खाएं, तो हर किसी तरीके से आंवले जो है अपने आप में एक कम्प्लीट मेडिसिन है, या हम आंवले को कैसे कह सकते हैं, वंडर फ्रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको वंडर फ्रूट कहेंगे, बिकॉज इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो ये हर किसी आस्पेक्ट को रिड्यूस करने में हमें मदद करता है, और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में, ठीक है ना। आप लोग बताएं मुझे, आंवला और किस किस काम तरीके से यूज़ कर सकते हैं? अचार के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मुरब्बे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे पहले आंवले के बारे में कभी सुना था? कैंडीज के लिए आंवले के बारे में सुना था कभी? कोई ऐसा है जिसने आंवले के बारे में कभी नहीं सुना? सुना है कोई? ऐसा तो होगा, कोई तो होगा जिसने नहीं सुना है, या किसी ने नहीं खाया हुआ आंवला? आंवला कोई है जिसने नहीं खाया आज तक? सभी ने खाया है आंवले का अचार, खाया, कैंडी खाई है। तो इसका बेसिकली ये जो अक्षय नवमी है, या फिर आंवला जो नवमी है, उसको मनाने का एक, या सेलिब्रेट करने का एक पर्पज़ ये भी है कि हम इस पेड़ की इम्पोर्टेंस को जानें, समझें, ठीक है, और अपने डेली यूज़ में हम इसको यूज़ करें। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने क्या, एक हफ्ता पहले दिवाली सेलिब्रेट की है ना। किसी भी रिलीजन में हो, अगर फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, पकवान होते हैं, घी में बने हुए होते हैं, मिठाइयाँ होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो इट्स ए काइंड ऑफ ए हैवी डाइट, हैवी डाइट है ना। जितनी हम हैवी डाइट को अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में रहेगी, तो क्या होंगे, हम अपने आप को हैवी फील करेंगे,
करेंगे कि नहीं करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए तुरंत उसके बाद क्या है, आंवला नवमी है, ताकि हम क्या करें, आंवले के यूज़ को बढ़ाएं, आंवले का जूस पिएं, आंवला खाएं, तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है, हर किसी सीक्वेंस में जो हमारे फेस्टिवल से आने का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि चेंज होते जा रहा है सीज़न। ठीक है, जैसे ही सीज़न चेंज हो रहा है तो विटामिन सी की हमें कमी लगती है, नहीं तो हम क्या करते हैं, मार्केट से वो खाते हैं ना टैबलेट यूज़ करते हैं, लिमसी यूज़ करते हैं विटामिन सी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है तो स्किन में और तरीके की प्रॉब्लम, ड्राइनेस या बाकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, होंठ फटने लगते हैं, तो इसलिए हम विटामिन सी इंटेक बढ़ाने के लिए, क्या हमारे फ्रूट में विटामिन सी है, इसी की वजह से हम आंवले को यूज़ करें। और दूसरा एक माइथोलॉजिकल ये मान्यता के अनुसार कि आजकल जो है आंवले के पेड़ के नीचे एक एनर्जी निकलती है, जो इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट पोटेंशियल बेनिफिट होता है ना, जो आंवले का बेनिफिट है वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, इस सीज़न में आंवला नवमी को मनाया गया, क्योंकि क्या है, आंवले को छूना, खाना और उसके नीचे बैठ के भोजन करना, तो जब हम ये करेंगे ना, क्योंकि इसके नीचे क्या है, साइंटिफिक मान्यता के अनुसार और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। हम सभी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और इन चीज़ों का सेवन करें, जिससे हम अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ा सकें और निरोगी काया प्राप्त करें, तथा जंक फूड से अपने आने वाली जनरेशन को दूर रखें, तथा इस फ्रूट की इम्पोर्टेंस को समझें और इसका संरक्षण करें, तभी हम इस पर्व में सफल होंगे।